हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बी ब्यूटीफुल चैनल। मैं हूं बुशरा एस खान। कुछ लोग बेहद लकी होते हैं, इनकी स्किन ना ज्यादा ऑयली होती है और ना ज्यादा ड्राई। ये वो लोग हैं जिनकी नॉर्मल स्किन टाइप होती है। नॉर्मल इसलिए क्योंकि इनके स्किन का पीएच बैलेंस एकदम परफेक्ट रहता है। अगर आपकी भी यही स्किन टाइप है तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ फाउंडेशन लगाने का सही रूटीन। तो चलिए देखते हैं। स्टेप वन, डे क्रीम। आपकी स्किन चाहे कितनी भी सुलझी हुई क्यों ना हो, फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा। आज मैं एक डे क्रीम यूज करने वाली हूँ। इस क्रीम में 15 SPF भी है। इससे मेरी स्किन सन डैमेज से बची रहेगी। इसे अच्छी तरीके से स्किन में लगा दीजिए। स्टेप टू, प्राइमर। मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है तो अब बारी आती है प्राइमर की। वैसे तो नॉर्मल स्किन में ज़्यादा बड़े पोर्स नहीं होते हैं और ऐसे ऑब्वियस प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्राइमर का फॉर्मूला काफ़ी सिल्की है, जिसे लगाते ही आपके स्किन पे मेकअप एप्लीकेशन के लिए एक बढ़िया सा बेस तैयार हो जाता है। साथ ही ये लाइटवेट और वाटरप्रूफ भी है। इससे आपका फाउंडेशन स्मूथली लगेगा और ज़्यादा देर तक टिका भी रहेगा। स्टेप थ्री, फाउंडेशन। अब जबकि मेरी स्किन की पूरी प्रेप हो चुकी है तो मैं एक इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। इस लिक्विड फाउंडेशन की खास बात ये है कि ये मेरी स्किन को सिल्की ड्यूई फिनिश देगी। इस फाउंडेशन को मैं खास तौर से स्पेशल ओकेशंस या इवेंट्स पे लगाना पसंद करती हूँ। आप नोटिस करेंगे कि इस फाउंडेशन से स्किन पर एक अलग ही निखार आता है। फाउंडेशन को पहले ब्रश से लगाइए और फिर एक गीले ब्यूटी स्पॉन्ज से ब्लेंड कर दीजिए। स्टेप फोर, सेट इट विद पाउडर। अब मैं इस सारी मेहनत को सेट करूंगी एक फिनिशिंग पाउडर के साथ। थोड़ा सा पाउडर ब्रश पे लीजिए और पूरे चेहरे पर डैब करिए। ये एक यूनिवर्सल शेड है जो हर स्किन कलर को सूट करेगा। बस इसे लगाते ही आपको एक इवन और मैट फिनिश्ड लुक मिलेगा। तो चलिए अब बारी आती है आप सबकी इस मेकअप रूटीन को ट्राई करने की। आपका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी ब्यूटीफुल।